स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में एक दो हफ्ते ही बाकी रह गए हैं। इस समय हम खड़े सहारनपुर के नेहरू मार्केट में, और ये जो नेहरू मार्केट है ये सहारनपुर नगर क्षेत्र में आता है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग विधायक हैं। तो आइए इस बार जनता से हम लोग जानते हैं कि इस बार यहाँ पर क्या माहौल है, किसका माहौल है। बताइए सर, जो अभी चुनाव होने वाला है, कुछ समय रह गया, क्या माहौल लगा? अभी तो कुछ भी स्थिति साफ नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बीजेपी का जो है काफ़ी मजबूत है स्थिति। लेकिन संजय गर्ग जी भी यहाँ के जो विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में, उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, और बाकी तो अब इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। बीजेपी का आप क्यों कह रहे हैं कि माहौल है थोड़ा सा? क्योंकि जो ये हमारे कैंडिडेट हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और इन्होंने शहर में बिना अपने पद के भी बहुत अच्छा कार्य किया है, और बहुत एक्टिव रहते हैं वो अपने उसमें, तो इस वजह से जो है उनकी स्थिति मजबूत मानी जाती है। जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो विधायक का चेहरा देखेंगे या मुख्यमंत्री जो बनेगा उसका चेहरा देखेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री तो खैर हमारे उनके लिए तो शब्द कहने ही कुछ नहीं है, वो तो खैर हमारे लिए बहुत वो हैं। उनके आने के पश्चात हमारे जो है उत्तर प्रदेश की पिक्चर ही एकदम से चेंज हो गई, तो वो तो आँख मुन के हम उनके साथ चलेंगे, योगी आदित्यनाथ जी के साथ। विधायक का चेहरा नहीं देखेंगे? विधायक का चेहरा भी देखेंगे, तो वो भी हमें पसंद है, खैर जो भी हमारे कैंडिडेट हैं तो वो भी हमें पसंद है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के साथ तो जाएंगे ही जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ जाना यहाँ हर इंसान चाहेगा। उन्होंने जो हमारे उत्तर प्रदेश में विकास किया उसका कोई तोड़ नहीं है। जो उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म करी, जो उन्होंने समाज का सबको लेके साथ चले, उसका कोई जवाब नहीं है। विधायक कोई भी हो, चाहे भले ही हमारे विधायक बहुत अच्छे, उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर, राजीव गुंबर जी जमीन से जुड़कर चलने वाले इंसान हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अभी पीछे रोड शो भी हुआ था यहाँ पे, बहुत सक्सेसफुल रोड शो हुआ। कल अमित शाह जी आए थे, तब भी बहुत भीड़ देखने को मिली समाज में। तो इन सबको बातों को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में काफ़ी माहौल बना हुआ है, और योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री मैं नहीं समझता कि अभी तक उत्तर प्रदेश में आया हो, जिसने गुंडागर्दी ख़त्म करी हो, व्यापारियों को सुरक्षा दी हो, महिलाओं को सुरक्षा दी हो, अन्य विकास कार्यों में कोई कमी हो। आप कोई भी हाईवे देख लीजिए, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ से हाईवेज ना बन गए हों, अच्छी सड़कें, डेवलपमेंट देखिए, सहारनपुर का पहले से कई गुना ज़्यादा विकास हो चुका है। तो इन सब मुद्दों में को देखिए, सब मिलाकर बीजेपी का पॉजिटिव जाता ही जाता है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसलिए बीजेपी यहाँ पर थोड़ी कम है, समाजवादी पार्टी काफ़ी गठबंधन हावी है। इसमें ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन किसान भी समझदार है। बीजेपी ने इस टाइम ज़्यादातर, आप देखेंगे तो ज़्यादातर जाटों को, पुराने पिछड़े वर्ग को सीटों पे आगे करा है, और किसानों को पूरा साथ दे रही है। उन्होंने ये कानून भी किसानों की भलाई के लिए उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं अब, तो काफ़ी माहौल पहले से बदल चुका है। और सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है, सभी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा व्यापारियों के लिए तो सुरक्षा का मुद्दा है, जो बीजेपी के अलावा आज तक कभी किसी ने दिया ही नहीं। इसलिए उसका पॉजिटिव सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसानों का, और वो जो किसानों का मसला था वो तो हल हो गया, वो तो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। ठीक है, अगर 10% नाराज़गी तो सभी में कहीं ना कहीं होगी, लेकिन उसका इतना प्रभाव इलेक्शन में मैं समझता हूँ नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा चाचा, आप बताइए, अभी मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुरुद्वारे पे दंगा हुआ था, तो मोहम्मद अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कितना इसका माहौल आप लोग फर्क पड़ेगा इसका? हाँ जी, नेगेटिव नेगेटिव प्रभाव एक दंगाई वाले को, जिस पे दंगाई का इंप्रेशन तब पड़ता ही है ना, ये जिस पे रासुका लगी हो उस आदमी को एक समाजवादी पार्टी में आप शामिल करेंगे तो उसका फर्क तो पड़ेगा ही। इतना नुकसान हुआ हो तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। उससे सिख संप्रदाय उससे नाराज है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। सिख संप्रदाय के लोग बोलेंगे किसान आंदोलन हुआ तो उससे नाराज है बीजेपी से, अब मुहर्रम अली पप्पू इधर समाजवादी में शामिल होते हैं तो कहाँ जाएंगे आप लोग? एक तो किसानों का हित है वो, उसके नेगेटिव है वो, बाकी ये तो एक दंगा है ना, एक प्री प्लान। तो आप कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? आप भाजपा के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? भाजपा के साथ, सेफ्टी नेट। अच्छा, क्या था दंगा, वो क्या था, कैसे? हाँ जी बता सकते? ये तो देखो ये वक्त के साथ, आपको सब पता है, सब पेपर में आया हुआ है, सारा डिटेल मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। धार्मिक स्थल की जमीन को लेकर विवाद था वो, अभी भी दर्द है उस चीज को, लेकिन जिनके जली लोग नुकसान, फर्क तो पड़ता ही, जख्म तो जख्म ही है, मतलब वक्त के साथ जख्म ठीक भी हो जाता है। दोनों की हानि हुई, दोनों की हानि हुई, और ये जख्म तो ऐसा है कि पूरे समाज के क्या, पूरे सहारनपुर के लिए जख्म है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, नुकसान सबका हुआ, पूरे वर्ल्ड में एक नेगेटिव जाएगा।
उस समय पुलिस मूक दर्शक बनी रही और दंगाई अपना दंगा करते रहे, तो इस चीज़ का प्रभाव तो सहारनपुर में तो कम से कम पड़ेगा ही, नगर में क्षेत्र पे तो बहुत पड़ेगा, इस चीज़ का प्रभाव तो पड़ेगा। अभी कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बेस्ट, पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सेफ्टी नेट जो है लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है एक ये दंगे के प्रति, मतलब सुरक्षित वातावरण सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आदित्य योगी राज के राज में सब सुरक्षित है, यूपी सहारनपुर सब सुरक्षित है। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं? एक तो कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुधरी है, और क्या मुद्दे हैं कि मतलब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ में और क्या अंतर? रूरल फैक्ट पे गरीबों का अनाज व्यवस्था ये काफ़ी सहूलियत है ना ये मतलब। देखिए ऐसा है ना कि सरकार से हमें पब्लिक को क्या चाहिए, बिजली पानी सुरक्षा सड़क, और वो सब हमें सही मिल रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं, हम उनके साथ हैं। आप लोग बताइए युवा है क्या चाहिए? वोट फॉर बीजेपी, बस। क्यों वोट फॉर बीजेपी? क्योंकि कानून सुरक्षा उन्होंने यहाँ पर अच्छी की है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल विकास की है उन्होंने बहुत ज़्यादा, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन को लेकर भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। बच्चे बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है, रोजगार कम है। अब महंगाई तो उस समय भी बड़ी थी, 100 रुपये पेट्रोल तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी था, महंगाई उस समय भी थी। ये तो सिर्फ अब एक नेगेटिव इलेक्शन टाइम है, हर पार्टी को कुछ ना कुछ बोलना है, तो महंगाई तो ऐसा नहीं है। पहले जब गैस के लिए लाइनें लगती थी वो समय भी देखा हमने, जब सुबह 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगती थी, अब घर बैठे फ़ोन पे मैसेज भी कर दो, मिस कॉल भी कर दो, घर पे गैस आ जाती है। देखिए अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 100 रुपये पेट्रोल आज से 1974 में 100 रुपये पेट्रोल कांग्रेस की सरकार में हो गया था, अगर अब हो गया तो अब हल्ला ज़्यादा क्यों? वो सिर्फ एक नेगेटिव माहौल बनाने वाली बात है। महंगाई उस समय भी थी अब भी है, लेकिन अब आप उसके बदले में सहूलियतें देखिए कितनी हैं हम लोगों को। अब सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, शकुंभरी माता के नाम से उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है, मेडिकल कॉलेज में कई फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं, सिविल हॉस्पिटल में अब यहाँ पे होने लग गया, आपका डायलिसिस सेंटर खुल गया है, इतनी इंप्रूवमेंट है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था यहाँ पे। तो विकास के नाम पे अगर जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो कम से कम समझ बीजेपी को सिटी डेवलपमेंट हो रहा है मतलब। जी पहले क्या होता था कि जब काम का टाइम होता था ना तो लाइट भाग जाती थी, इन्वर्टर हम लोगों के बिल्कुल गुल हो जाते थे, ठीक है जी। और जब इन्वर्टर गुल हो गए मार्केट से ग्राहक गुल हो गया, सारा दिन मेहनत करते थे यहाँ पर कि शाम होएगी, शाम को काम होएगा, काम होने के टाइम पे लाइट चलेगी, बुरा हाल। और अब 5 साल के अंदर हमें यही नहीं पता कि लाइट कब गई, हम भूल गए। हम लोग एक टाइम पे, मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे मेरे दिल्ली में जैसे फ्रेंड्स वगैरह रहते थे ना, वो कहते हैं हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती, तो हमें खुशी होती थी यार तुम्हारा कौन सा एरिया ऐसा है कि लाइट नहीं जाती, हमारे यहाँ तो बहुत लाइट जाती। हम तो मतलब ये सोचते कि वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन इस 5 साल के अंदर योगी जी ने मोदी जी ने हमें ये महसूस करा दिया कि हम लोग भी भाग्यशाली हैं जो हम यूपी में रह रहे हैं। तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सर एक बात बताइए, 300 यूनिट बिजली मिल गई और बिजली आए ना तो उसका क्या फायदा बताइए? अगर 10 घंटे लाइट ही मिलेगी तो 300 यूनिट भी नहीं होंगे साहब, 300 यूनिट होने की नहीं, 8 घंटे लाइट मिलनी है, 8 घंटे में 300 यूनिट कौन फूक लेगा? पूरा दिन अपना पंखा ही चलते रह जाएंगे साहब योगी सरकार में, तो योगी सरकार में पूरे दिन 24 घंटे लाइट मिल रही है। भैया एक चीज़ और, आप निरीक्षण के लिए निकले हैं ना शहर में, किसी गली किसी मोहल्ले में चले जाओ, हर जगह काम ही काम चल रहा है। यहाँ तक के जो पोश एरिया हैं वहाँ पे नालियों की सुविधा नहीं थी, और हमने भी कभी नहीं सोचा था कि वहाँ नालियाँ होनी चाहिए। हमारे हकीकत नगर में बिल्कुल मेन चौक पे नाली नहीं थी, हमने कभी गौर ही नहीं करा, लेकिन जब नालियाँ खुद रही यार, हम सोच रहे हम शहर के बीच में रह रहे हैं, नाली नहीं है, उन नालियों का काम चल रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी है। शहर के किसी कोने में चले हर जगह काम चल रहा है। हम बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, यहीं से 100 मीटर की दूरी पर अभी साक्षात आप लाइव चलिए, बिल्कुल सड़क का बुरा हाल है मोहल्ला शीराजान में। और दूसरी बात, 5000 शिक्षा मित्र मर गए हैं, ये लोग व्यापारी हैं, इनके पास पैसा है, ये तो रोज़गार देते हैं, ये तो चाहेंगे कि पढ़ा लिखा युवा इनके यहाँ नौकरी करे 10-1200 रुपए में महीना में, समझ गए? वरना जो है 8-10 हज़ार दे दोगे, 8-10 हज़ार दे दोगे, कौन से 50,000 सैलरी दे रहे हो टीचर की तरह? टीचर की तरह कोई सैलरी नहीं दे रहे। 5000 शिक्षा मित्र मर चुका है, योगी मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने वादा किया था बनारस में के शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, जो जिम्मेदारी लेके मुकर जाए
172,000 शिक्षा मित्र थे, जिनमें से 137,000 का समायोजन हुआ था। किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? अखिलेश भैया जो है सबको रोजगार देने की बात करते हैं, सबको विकास देने की बात करते हैं, समाजवादी पेंशन देने की बात करते हैं। मौलाना महमूद अल हसन यूनिवर्सिटी सहारनपुर में पिलखनी में है, चल के देखिए किसने बनाई है, बताइए। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद बाबर है, मैं शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा, लोग यहाँ बता रहे हैं कि पहले दंगे वगैरह भी होते थे, बिजली 8 घंटे, इस तरह की बातें। दंगा तो एक प्रायोजित होता है, दंगा आम पब्लिक कोई नहीं चाहती, आम पब्लिक सब शांति से रहना चाहती है। 2012 से 17 तक भी यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ था, वो कुछ प्रायोजित था जो धर्म का विवाद था, और वो स्थल जो है ना सरदार लोगों को सौंप दिया गया है, ये अगर इनकी जानकारी हो तो। वो जो अस्करी मस्जिद का है उसका हल हो गया है, वो जगह इनको सौंप दी गई है, और बाकायदा बिल्कुल सौहार्द के साथ सब तस्वीरें आई थी। ये सहमत हैं बात से पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, इनसे पूछ लीजिए कि जगह इन रिएक्शन जो है बहुत बड़ा था। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये घर घर पर्चे बांट रहे हैं, उन पर्चों में तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 80-20 की बात कौन करता है यहाँ तो क्या है। लेकिन जो उसका नुकसान है वो आम लोगों को काफ़ी हुआ है, वो होता है नुकसान, तो झगड़े का नुकसान तो आम ही लोगों को होता है, व्यापारियों को होता है, फैक्ट्री तो हुआ है। मैं 45 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ इस मार्केट में, हमारा प्यार मोहब्बत सब बना हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, हमें कोई मसला नहीं है, झगड़े कौन कराता है, कौन, हम आपस में तो बिल्कुल नहीं लड़ते, कौन कराता है झगड़े हैं। और इससे पहले भी बिजली आ रही थी, ऐसा नहीं है कि बिजली अभी आ रही है, हमें तो किसी मसले से कोई नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि अमन चैन रहे, हमारे कारोबार फले फूले और हमें कुछ नहीं है मसला। हम तो चाहते हैं अखिलेश की सरकार आए। एक बात और कहना चाहता हूँ सर, क्या 5 साल में महंगाई नहीं बढ़ी है? शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये 2017 में मिलते थे, 2022 में भी 10,000 रुपये ही उनको प्रति माह मिल रहा है, 11 माह का मानदेय दिया जा रहा है, क्या ये न्याय है, ये मेरे भाई बताएंगे? 5 साल में आप किसी और लोगों से जानते हैं नो कमेंट बोलो यार बोलो। वोट फॉर बीजेपी क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है, पूरा विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए बीजेपी ही है। जाल बिछेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। या तो सर बिजली उतनी ही थी, बिजली पहले भी उतनी आती थी, अभी भी बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, यूनिट बढ़े हैं, प्राइस बढ़े हैं, हर चीज का फर्क तो पड़ेगा ही ना। जैसे बोलने बिजली पहले भी उतनी आती थी जितनी अब आती है, वक्त के साथ प्रोडक्शन बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कंपनियां बढ़ती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, ऑटोमेटिकली सप्लाई ठीक हो गई। शिक्षा मित्र का इशू कह रहे, शिक्षा मित्र का तो इस तरह का इशू है कि उस टाइम पे जो शिक्षा मित्र लगे थे इंटर पास लगे थे, प्लस टू पर लगे थे, नहीं सुनिए सुनिए पहले सुनिए, हम भी इतने होनी है, बीएड करने वाले लड़के कहाँ गए उस दौरान, मतलब जो ये शिक्षा मित्र बिठा दिए उस दौरान पे, मतलब जो प्लस टू थे जी आप बीएड करो उसके बाद आपको कोटा मिलेगा, उस कोटे की वजह से बीएड मतलब ये शिक्षा मित्र मतलब लग गए थे प्राइवेट कर करके, बीएड करके लग गए। अब जो उनसे लड़के होशियार थे या बीएड जिन्होंने करी थी, हाँ टेट करके क्लियर करके कराओ, तो उनकी वजह से तो वो शिक्षा मित्र वापस लिए गए, पहले तो पहले परमानेंट कर दिए थे फिर वापस लिया ना सरकार ने। हम भी समाजवादी हैं, रहना चाहिए हमारा भी, मतलब चौधरी साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, हम तो उनके नेतृत्व में चलते हैं वैसे तो। लेकिन ये जो जिस तरह का ये मसला बता रहे कि बीएड वाले महत्वपूर्ण है या शिक्षा मित्र महत्वपूर्ण है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, ये हमारा तो 1,24,000 जो शिक्षा मित्र थे वो पहले से ग्रेजुएट थे, 23 अप्रैल 2010 से पहले ग्रेजुएट थे, लगने से पहले ग्रेजुएट थे, मेरी ग्रेजुएशन जो है 2000 की है, सन 2000 में ग्रेजुएट था, जो हमारे सामने के पैदा हुए, हमारे पढ़ाए हुए, जिनकी हमने समालोचना लिखी है, BTC BEd ट्रेनिंग करके हमारे स्कूल से जा रहे हैं, हम उनकी समालोचना लिखते हैं, उनको कक्षा शिक्षण उनका निरीक्षण किया है, ये लिखित ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। मेन मुद्दा भाई साहब ये नहीं है, मेन मुद्दा है आरक्षण का, जो अभी आपका नीट का पेपर हुआ था, काफ़ी होशियार बच्चे मतलब जो जनरल के थे उनके 600 मार्क्स थे, मेन मुद्दा है आरक्षण का, मतलब कि आरक्षण जनरल वालों के 600 नंबर का जो बच्चा है जिसने 612 नंबर है उसका नंबर आ नहीं रहा, 312 जिसने क्लियर कर रखा, मतलब 312 का SC का जो लड़का है वो जाके वहाँ पे बढ़िया एम्स वगैरह मिला, तो मेन मुद्दा ये है
हाँ ये मुद्दा नहीं है कि शिक्षा मित्र का, तो वो बोले समाजवादी पार्टी से है हमें, तो वोट समाजवादी को या भाजपा को? देखिए चौधरी साहब जहाँ जाएंगे हम तो वोट वहाँ करते हैं, हम चौधरी साहब के हिसाब से चलते हैं। पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन नहीं है अपना, तो शिक्षक के हाँ ये मैं ये ये तथ्य है हाँ वो शिक्षक संबंधित, वो मैंने क्लियर किया। हाँ कहा जा रहा है 20 का क्या मतलब है आप समझाइए जरा मुझे। हम नहीं नहीं क्यों नहीं पता है आप क्यों नहीं पता है हम हमारे लोग हैं इनसे, हम यहाँ 50 बरस से रह रहे हैं। एक मिनट सरदार जी बोल रहे आप, जब हम यहाँ 50 बरस से रह रहे हैं 80-20 का क्या मतलब है, हम तो इनके साथ मरे जिएंगे, हम कहाँ जाएंगे। वोट जो है पर्सनल मताधिकार है जी, इसमें कोई कम्युनिटी का चक्कर नहीं है, सामाजिक व्यवहार तो वैसे ही रहेगा। आप लोगों से मिलते हैं चाचा भाई, मेरा एक और कहना है। सर हो गया। चाचा आप बताइए, आइए जो यूपी में अभी चुनाव होना है क्या माहौल, क्या माहौल रखा है माहौल इसके क्या नाम, योगी ने सब कुछ दे रखा है, राशन दे रखा है, सबसे बड़ी फैसिलिटी है, सबसे बड़ी फैसिलिटी है राशन दे रखा है, और ये दंगा फिसाद नहीं हो रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा था, सुरक्षित माहौल इतनी माहौल नहीं चाह रहा, सुरक्षित माहौल है ना, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ तो भैया इससे बड़ी और फैसिलिटी क्या चाहिए आप बताइए। नहीं सही है जी। हाँ जी क्या बताइए, ठीक है काम तो हो ही रहा, वैसे सरकार काम तो करा ही रही है, काम बढ़िया है, चार बढ़िया है जी। है जी क्या नाम पड़ेगा, क्या जी क्या नाम पड़ेगा, क्या नाम मतलब बताइए सर आप। हाँ जी चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है। हाँ जी क्या कह रहे, चुनाव जो होने वाला है हाँ जी क्या माहौल लग रहा है। वो सही माहौल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राजीव गुम्बर आएगा तो आएगा ही बस, हाँ ओनली बीजेपी सब एक है यहाँ, कोई सब दल करते हैं, चार दल हैं चारों एक ही हैं, संघर्ष सबके साथ है किसी के साथ कुछ नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं चार दल चारों एक ही है, मतलब समाजवादी पार्टी कांग्रेस बसपा सब एक ही है। नहीं नहीं दल का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, सब बीजेपी के साथ है, सब बीजेपी के साथ, कोई किसी के साथ नहीं, सिर्फ इसलिए साथ है कि मोदी योगी से बढ़िया कोई नहीं है, जो योगी कर गया कोई नहीं कर गया। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड जो बनाए हैं जो 5 लाख तक के लिए फ्री है सुविधा है, ये बीमा फ्री है, ये बहुत बड़ी सुविधा है अपना, ये हर एक के लिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, इन सबके लिए फ्री है ये चीज, ये बढ़िया बात है, फर्स्ट क्लास बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हर एक के लिए है, उन्हें जिन्हें 2-2 लाख रुपए मकान के लिए दिए गए हैं आएंगे तो और फैसिलिटी देंगे, वो कॉन्सेप्ट तो यही होना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कुछ, आपको बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार आनी चाहिए भाई, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। हाँ काम सही हो रहा, गुंडागर्दी नहीं है, शांति है, कोई दिक्कत नहीं, लंबी लारी किसी की थारी मारी हो कहीं चली जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ना लेटर मिली हमें अखिलेश की सरकार में ना कुछ मिला, बस साफ बात है।